घाट घाट का दंगल लेकर हम आ गए हैं श्री कृष्ण और राधा की नगरी ब्रजभूमि में यानी मथुरा में। मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि, जब भी चुनाव का समय आता है ये स्थान सियासी चर्चा में आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी पे और केंद्र पर सबसे ज्यादा जमना का ही काम है। क्या गई जो है? हम कहना किसी का नहीं मानते, चुनावी भाजपा किसी का नहीं मानते, चुनावी भाजपा विश्वास नहीं करते, जो करेगा उसकी बात करें। यमुना का जो पानी सारा हरियाणा में रोक रखा है, हरियाणा पे पानी सरकारें कह रही है 27 साल से कार्यरत है, सारे अभी तक क्लेम नहीं किया। छोटे सारे मुंडे नहीं छोटे यमुना शुद्धिकरण के लिए, उसके बाद भी हो रहे हैं। जहाँ जो कट्टी खाने से बंद करने की बात आई है, कट्टी खाने बंद होना एक अलग बात है, मेरा समझना उससे होता है। हेमा मालिनी जी ने कल क्वेश्चन किया, परसों लोकसभा में बोली है, केवल जमुना पे बोली है। दली क्यों बोली? जब नंबर आया, चुनाव आ गया तो लोकसभा क्या हो गया, तो यूपी का चुनाव बोल रहे हो? इन सब के बीच मथुरा के हर गली चौक चौराहों पर सियासी दंगल की चर्चा जोर पर, लेकिन इस बार के सियासी दंगल में मथुरा के लोग किसे राधे राधे कहेंगे, चलिए ये भी जान लेते हैं। जब तक ये मुलायम माया गंदगी हटेगी नहीं, जब तक इनके त्यागी हटेंगे नहीं 11 मार्च को, जब तक कुछ भी नहीं होगा यूपी में। देवस्थान भूमि है और देवस्थान भूमि को नमन करने सब व्रज भक्त और सब आते हैं, भक्त लोग दूर दूर से आते हैं, पर यहाँ की सफाई और साफ सफाई देख के वो उनका मन मेला हो जाता है। बोले एक बार आती है फिर वो आने का नाम नहीं लेते। आज की युवा पीढ़ी तो वह स्वच्छता मांगती है और यमुना का पान करने के लोग दूर दूर से आते हैं। जब यमुना का पानी गटरों का पानी यमुना में मिक्स हो रहा है, यमुना पे कोई ध्यान नहीं है किसी का, बस वोटों के समय आते हैं और अपना चुनावी और वोट लेके और चले जाते हैं, फिर घर में बैठते हैं, अपने घर में पैसा भेगा करते हैं। चुनाव करते पंजो मथुरा में जो चेंजेस लाने का है वो गंदगी निकालने की है, वो गटर भी खुली है, पहले भी वो थी अभी भी वो है, तो वो क्यों नहीं करते? वो तो पहला करो, स्वच्छता रखो, गटर को बंद करो, तो जो लोग NRI आता है वो मादा बीमार भी नहीं पड़े तो ज़्यादा NRI आएगा। नेता पॉलिटिशियन MP या MLA चुन के जा रहे हैं, वो केवल अपने पेट भरते हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी पैसा आ चुका है, जापान से पैसा आ चुका है प्रोजेक्ट के लिए, वो सब पैसा कागजों पर खर्च होता है, इनमें कुछ भी खर्च नहीं होता है। जैसी स्थिति आज से 8 साल पहले 10 साल पहले थी, वो स्थिति आज भी है। कोई खर्च नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई खर्च नहीं, वही गंदगी है। तमाम नाले दिल्ली से मसाते 150 नाले नहीं मिल रहे हैं, कोई उन पर रोकथाम नहीं, कोई पाबंदी नहीं है। मथुरा आए और पेड़े की बात न हो ये हो ही नहीं सकता। चलिए जानते हैं चुनावी कड़वाहट के बीच पेड़े की मिठास क्या घोल रही है। यहाँ के मथुरा का पेड़ा एक ऐसी चीज है जो यहाँ खाए वो भी पकता है और नहीं खाएगा वो भी पकता है। मथुरा का पेड़ा जिसने खाया और वो ये बोले कि मथुरा का पेड़ा बाकी अच्छा है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर है, यहाँ का MLA सांसद और नगर पालिका। जो इस समय देशव्यापी है एक वैचारिक लड़ाई, इस देश में 70 साल हो गए, एक तुष्टिकरण एक ऐसा विषय बन गया है। हम लोगों की पीढ़ी ने, हम 70 साल के हो चुके हैं, स्वतंत्रता के बाद में एक माहौल बनाया गया कि हिंदू की बात करना सांप्रदायिकता है। स्थानीय मुद्दा एक ही है, 15 वर्ष से हमारे एक ही विधायक हैं कांग्रेस के। आप हिंदुवानी क्षेत्र को देखिए, उनके द्वारा लगाया हुआ कहीं एक पैसे की निधि नहीं लगाते हैं। यमुना की चिंता है, यमुना पे आप देखिए, यमुना के नाम पे केवल लूट की जाती है, केवल करोड़ों रुपए आते हैं। आज 400 वाइब्रेटर मथुरा में चलते हैं, उसके तेजाब निकल के यमुना जी में आती है, हर रोज मछली मर जाती है। आप भी थे, हम सब कुछ कर चुके, दिल्ली तक पद यात्रा की, हर जगह अनशन किए, हर जगह आश्वासन, केवल हमको कांग्रेस गवर्नमेंट ने आश्वासन दिए कि आपके लिए ये हो जाएगा। और 2.5 साल में इन लोगों ने, 2.5 साल में इन लोगों ने जो किया, इतने काम को वाइब्रेटर लग गए, बड़े बड़े जनरेटर रख दिए गए,
पर वो चलाए कहाँ जाते हैं? आप आज जमुना की स्थिति देखिए, कहाँ है गंदा पानी, कहाँ से आता है? एक नदी की सीधी परमानेंट है और जगह 3 किलोमीटर चलने के बाद में पानी शुद्ध हो जाता है। कहीं भी हो हर नदी का कायदा है, कम से कम इस बैराज को खोल दें, चलता पानी हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा। कहते हैं कि बाढ़ जब आता है तो फिर बाढ़ का पानी जब जाता है तो वो गंदगी को लेकर चला जाता है, वो चला जाए, पर अगर इसको बंद करने से खोल दें कम से कम पानी चलता रहेगा। अगर पानी चलेगा कम हो जाएगा हमारे पास, कम छोटी जमुना दिखेगी और दिखेगी तो स्वच्छ। स्वच्छ भारत दिख रहा है मथुरा में, स्वच्छता आप कुछ अंतर है, ये नहीं है कि अंतर नहीं आया, बहुत अंतर, सफाई हुई, पर सफाई पब्लिक करेगी। एक वहां बैठे हुए अगर वो एक कहते ने कि स्वच्छता अभियान चलेगा, स्वच्छता अभियान थोड़ी, जब तक हम आप नहीं स्वच्छता करेंगे स्वच्छता आवेगी कहां से? और इस वक्त हम हैं मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में और हमारे साथ हैं राकेश तिवारी जी जो यहाँ के मीडिया प्रभारी हैं। क्या इतिहास है इस मंदिर का? ये आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व इस मंदिर का निर्माण हुआ और यह मूर्ति ग्वालियर के सेठ पारिक जी को प्राप्त हुई थी और उन पारिक जी ने इस मूर्ति को प्राप्त होने के बाद यह अपने पुरोहितों बंदों से पूछा कि इस मूर्ति को हम कहाँ विराजमान करें। उस समय उनको ये स्वप्न आया कि इस मूर्ति को हमें विराजमान किया जाए ब्रज में कहीं। तो सबसे पहले आप वृंदावन जब जाते हैं तो पागल बाबा मंदिर के सामने हमारा बगीचा है, वहाँ ठाकुर जी को विराजमान किया, उसके बाद इस मंदिर का निर्माण हुआ और निर्माण कराने के बाद सेठ लोग केवल पैसा खर्च कर सकते हैं लेकिन इसकी सेवा पूजा ठाकुर जी करना उनके बस की बात नहीं है। तो उन्होंने मंदिर के सेवाएं वर्तमान गोस्वामी श्री विजेश कुमार जी महाराज को ये समर्पित किया और उस समय से आज तक कुश्ती मार्ग संप्रदाय के हिसाब से ठाकुर जी की बाल स्वरूप की सेवा है और 4 झांकी सुबह और 4 झांकी शाम को। मंदिर की जो विशेषता है कि भारत का अगर राष्ट्रपति भी आए तो मंदिर के टाइम में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया जाता है और नियमित रूप से 2 आरती सुबह और 2 आरती शाम, पहली आरती मंगला आरती, दूसरी आरती राजभोग में आरती, शाम को संध्या आरती में आरती और शाम को शयन आरती, इस प्रकार 4 आरतियाँ होती हैं। एक विशेषता यहाँ की यह है कि जिस समय सावन का समय आता है उनमें जो है ठाकुर जी की भव्य भिक्षाओं का आयोजन होता है क्योंकि बालक को मंदिर के बाहर कहीं नहीं निकाला जाता तो ठाकुर जी को बाहर के मौसम की अनुभूति कराना ही घटा है। तो उस समय सावन में ठाकुर जी के विशेष सोने चांदी के हेटोले निकलते हैं और घटाओं का विशेष आयोजन होता है और उसी समय केवल मंदिर के समय में परिवर्तन होता है, उसके अलावा केवल उस समय में होता है, बाकी दिन में कोई भी VIP आए देयर इज नो चेंज ऑफ एनी टाइम इन मंदिर। ज्यादा संख्या में पहुंचकर उनके विचारों को सुने और सभा को सफल बनाएं। और इस सियासी दंगल में इस वक्त हम हैं डी गेट मेवादी मोहल्ले में और इस मोहल्ले में भी सियासी चर्चा जोरों पर है और इन लोगों को भी अब चर्चा इन लोगों की भी कि कौन सा ऐसा पहलवान है जिसको ये चुने और इनके लिए वो काम करे। क्या है पानी में आ रही है, 20 साल से किसी नेता ने उसको देखा नहीं था, सभी लोग पानी पीते जमुना का, गोकुल बैराज का पानी आ रहा है। अच्छा 20 साल में जब चिराग का डैम आता है तो ये बात आते हैं नेता लोग हमारे यहाँ, नहीं तो कुछ मुड़ के देखता भी नहीं। विकास बढ़ गया हो ईमानदार नेता चाहिए। हाँ जी हम तो वोट उसको देंगे जो हमारा विकास करेगा। हमारे जवान जवान लड़के बेकार हो, इनका रोजगार नहीं, बेरोजगार टोड़े गली पूछी सड़ी हुई पड़ी हुई देखते हैं, पानी खराब आ रहा, बीमारी हो रही है। इस शहर की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, 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 पानी, पानी की समस्या है, पानी खराब हुआ, गंदा पानी। कोई इसके लिए जो जीत कर जाता है फिर वो कुछ देखता नहीं है, आते नहीं है, आता ही नहीं है। अपने मतलब मथुरा का मुस्लिम बहुल इलाका है, अल्पसंख्यक बहुल इलाका है, इस इलाके के जो आप लोग लोगों को लेकर गठबंधन बनते हैं, आप ही लोगों की वोट पर नजर रहती है कि आप जिधर जाएंगे सरकार उसकी बनेगी।
आप नहीं उनके एजेंडे में है या सिर्फ वोट के लिए? वोट के लिए लेते हैं हमको तो कौन वोट मांगते हैं हमसे? वोट मांगे हम करते नहीं, बिस बात जमाते हैं, बिस बात जमाते हैं, वोट मांगते हैं हमसे। और इसी वक्त यही चर्चा याद आती है चुनाव और समय में कभी याद आया है मुद्दे बनाने का, राम मंदिर बनाएंगे, कठिन दोपहर भैया भैंस को काम बंद करें कठिन। तो वो नहीं समझते कि चुनाव के समय इस तरह की बातें करते हैं? उन्होंने मोहरम बना लिया चुनाव की वजह से, सीट मांगने जब चुनाव आते जब भी मस्जिद का मंदिर तो क्या मंदिर और मस्जिद का मुद्दा इस चुनाव के दौरान रहता है या इस चुनाव में है कहीं पर? बिल्कुल है, बिल्कुल है, कल उठा योगी आदित्यनाथ ने बोला था एक दो दिन पहले कि राम मंदिर बनेगा। उस मुद्दे उस एजेंडे पर आप वोट देने जाते हैं क्या? किसको देंगे वोट? नहीं, जब उनको चाहिए जो मंदिर या मस्जिद का जो एजेंडा उठाता है चाहे मंदिर के पक्ष में या मस्जिद के पक्ष में, तो क्या वो एजेंडा आप लोगों को टच करता है क्या? बिल्कुल करता है, कि तहजीब सिखाता है और धार्मिक जगह होने के बाद यहाँ का मुस्लिम है ना जन्माष्टमी वाले दिन स्टॉल लगाता है, परदेशियों को कोऑपरेट करता है, जिसको देखना हो संप्रदायिक जो लोग हैं उनको देखना हो तो हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम लोगों से सीखे हिंदुस्तान होता जाए। लेकिन इस बार के सियासी दंगल में मथुरा के लोग किसे राधे राधे कहेंगे, चलिए ये भी जान लेते हैं। बदलाव हो, अच्छा बदलाव हो, क्योंकि यूपी में और खासकर जो है देख रहे हैं जिस तरह चल रहा है परिवारवाद, जातिवाद, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, तो इससे बढ़िया है कि अब की बार कुछ अलग हटके सोचा जाए और अलग हटके चुनने का कुछ एक मन बना चुकी है जनता। हम लोग सोच रहे हैं कि अब की बार कोई अच्छा ऐसा निर्णय लिया जाए जिससे कि खुशी हो और हम सबको मन में ऐसा लगे कि हमने कुछ किया, अच्छा किया। पतित पावनी माँ जमुना के किनारे जब लोग सब लोग आते हैं नामांकन करने के समय माँ जमुना की ध्यान रहती है, उसके बाद सब लोग जमुना जी को भूल जाते हैं। निश्चित रूप से मथुरा माँ जमुना के नाम से पहचानी जाती है, माँ जमुना के लिए करता कोई नहीं है। पिछले 3 बार से यहाँ के जो विधायक हैं वो जमुना जी पर आते हैं लेकिन जमुना जी के लिए कुछ भी नहीं किया है, ये हम लोगों की बहुत बड़ी तीस है। वादा करते निभाते नहीं है ना, वादा निभाना चाहिए ना। हेमा मालिनी सबने बीजेपी ने वादा निभाया लेकिन हेमा मालिनी ने बिल्कुल नहीं। हम जल था, आदमी पान करते थे, स्नान करते थे, पूजन करते थे, आज वो हमारी यमुना मैली हो गई है कि जिसका पान करने से आदमी घबराता है, स्नान करने से घबराता है, फिर भी हिंदू भावना के अनुसार जो भी लोग यहाँ तीर्थ करने आते हैं दूध भी चढ़ाते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं, यमुना का पूजन भी करते हैं, उसके बाद उसकी भावना के अनुसार वो अपनी सेवा पूजा करके यहाँ से चले जाते हैं। यमुना जी आज हमारी बहुत प्रदूषित हो गई है, इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, कोई हिसाब नहीं है, गंगा यमुना सब हमारी प्रदूषित कर दी है, ये हमारी सरकार है। क्या यमुना की चिंता दिखाई दे रही है इस चुनावी सियासी दंगल? नहीं दिखाई दे रही है, किसी को भी दिखाई नहीं दे रही है, सबको अपना अपना दिख रहा है, अपना अपना ढोल अपना अपना बाजा, कोई नहीं। बहुत समय से आज से क्या आने वाले भी कुछ नहीं करेंगे यमुना के लिए, मोदी जी ने भी आकर के वो उनके लिए छोड़ा गंगा का हिसाब किया, उमा भारती के लिए उनने भी वहाँ बनारस में कुछ नहीं किया। सियासी दंगल में इत्र की खुशबू किधर बिखरेगी? सपा गठबंधन की है, अखिलेश की लग रही है, गठबंधन बहुत जोर से चल रहा है और वैसे मथुरा में त्रिकोणीय संघर्ष है, यहाँ पर रालोद का, भाजपा का और कांग्रेस का, तीनों का त्रिकोणीय संघर्ष है, किसी भी तरफ जा सकती है लेकिन फिलहाल गठबंधन मजबूत दिख रहा है। क्या नाम है आपका? संजय जी, इस बार होली कौन मनाएगा, कैसी रहेगी होली मथुरा की? तो भूल कमल का आएगा तो गोलगप्पे खिलाएगा, चुनाव का रंग चढ़ा है, मोदी ने नोट में की बात हो रही है।
नहीं करेंगे अपना को इसमें कुछ वोटिंग के बाद कोई नहीं आता और जब भी बारिश होती है पानी भर जाता है बस लेकिन ये नहीं सोचते बाद में आके पूछते हैं मेन हाईवे पे भी ये प्रॉब्लम है मेन हाईवे गाड़ियां तक भर जाती है दिल्ली आगरा वाला जो हाईवे है वहाँ पे भी पानी भर जाता है। सभी प्रत्याशी चुनाव के समय पर बड़े बड़े वायदे करते हैं विकास की बातें करते हैं लेकिन जो हाल है वो सब आपके सामने ही है। विकास की बातों के बाद भी जब प्रत्याशी विजयी घोषित हो जाता है उसके बाद जो उनकी बातचीत है जो उनके वायदे हैं वो उन सब पर खरे नहीं उतर पाते हैं। जुड़ी हुई है लेकिन पानी इतना है गंदा कि भाई देखते ही वो होता है क्या करेंगे इसका अब तो लगता नहीं है लेकिन एक आस्था के साथ जुड़े हुए हैं और सब बड़े बोलते हैं कि हाँ भाई लेके आओ तो इसलिए लेके आए यहाँ से भर के जा रहे हैं। पानी पूरा का पूरा देखो कितना है। यमुना की आस्था कि पानी काला है पानी गंदा है पानी मैला है लेकिन बावजूद इसके लोग पानी लेकर जाते हैं और शुभ कार्यों में माँ यमुना के पानी से बाकी सब सृष्टि को अपने घर को अपने परिवार को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन करके इस यमुना की रक्षा की थी। अब इस सियासी दंगल के बाद देखना है कौन कालिया नाग का मर्दन करके श्री कृष्ण बनकर बाहर निकलता है और माँ यमुना को फिर से उनके पुराने स्वरूप में लाकर रख देता है। यमुना की यात्रा के दौरान घाट घाट के दंगल में मथुरा से अभी इतना ही। हम फिर चलेंगे अगले पड़ाव के लिए वहां मिलेंगे और वहां देखेंगे यमुना की क्या स्थिति है और वहां पर यमुना मैया के साथ लोग इस सियासी दंगल में किस तरह से अपने आप को जोड़ रहे हैं। बोले यमुना मैया की जय।